हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो पर। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बीज से पौधा उगाना, वो भी बेहतरीन मिट्टी तैयार करके। और ये बीज है जो ये हम प्लांट जो लगा रहे हैं, ये मूंगफली का जो पौधा है हम वो लगाएंगे, जो उसके अंदर दाने होते हैं मूंगफली के अंदर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास कोई भी मिट्टी है तो उसमें खाद मिलाकर उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। अगर आपके पास गमला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं। आपके पास कोई पॉली बैग हो या आपका जिसमें आप चावल खरीदते हो, आटा खरीदते हो, उसका बैग हो, आप उसको यूज में ला सकते हो। पहले इसमें आप उसमें दो छेद कर दीजिए, छेद काफ़ी छोटे होने चाहिए। ये छेद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके गमले में जो पानी अगर एक्स्ट्रा डल जाए तो वो इसमें रुके ना, इसके थ्रू बाहर आ जाएगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इतने छोटे छोटे छेद आप कर देना इसमें। अब आपके घर पे जैसे कोई भी फालतू वेस्ट जो चीज़ें हैं, जैसे पत्ते हो, कोई छिलके सब्जी के या कोई मिट्टी अलग से पड़ी है आपके पास, आप इस गमले में भर लीजिए मिट्टी के साथ अपने। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आप ऐसे कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो गंदगी है वो भी कम रहेगी, आपको बाहर फेंकना नहीं पड़ेगा इसको। अब आप इसे ऐसे तैयार कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसमें आप एक ही जगह मत डाल देना, ये आपका जो इसमें जो छिलके हैं या पत्ते हैं आपके, उनको आप एक एक उसकी लेयर बना देना। पहले उसमें आप मिट्टी डालना, फिर उसके बीच में इसको बीचों बीच रख देना ताकि ये अच्छे तरह से ऑर्गेनिक आपकी जो मिट्टी हो जाए, काफ़ी उपजाऊ हो जाए। और ऐसे आपको ये मूंगफली के दाने लेने हैं आपको, और याद रखना आपको ये छिलके समेत ही डालने हैं। जैसे वैसे भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे डालोगे तो ये जल्दी ग्रो करेगा। तो अभी ये वीडियो हम आपको दिख रहा है जैसे कि नॉर्मल सा इतना इतना आपको डालना है, एक एक उंगली से इसको डीप करके उसके अंदर बीज को या दाने को आप इसको डाल दीजिए और इसे दबा दीजिए अच्छे से। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें आपको कैसे करना है। अब इसमें हल्का सा आपको पानी डालना है, जितनी क्वांटिटी में मैं डाल रहा हूँ उतना ही। और ये लगभग जब ये निकल जाएगा मैं आपको इसका फीडबैक ज़रूर दूंगा वीडियो के थ्रू। तो अभी तक आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी और होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हो। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।